कहते हैं कि कैंसर से बचने के सिर्फ 30% चांसेस होते हैं। 30% तो बहुत होते हैं, 0% भी हुए ना मौत तुझे कुछ नहीं होने देगा। हम तुझे अमेरिका नहीं भेज सकते। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया था यार। तब डिमोलिशन की तलवार हमारे सर पे नहीं लटक रही थी। Guess what? I met your parents at the hospital. At the gynecs. Gynec? Mom is pregnant. दोनों चुपचाप अबॉर्शन कराने गए हैं। Have you lost it? चुपचाप दोनों हॉस्पिटल क्या करने गए थे? Tell us. डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर। बिना बालों के कैसे लगूंगी मैं? मतलब कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाते हैं ना, तब मैं विग पहनूं या कैप? क्या करची तोड़ खाना बनाया आज टिफिन में? राजमा आलू मेथी की सब्जी। वाह वाह, आपको हमेशा से करना था ये टिफिन वाला बिजनेस? अपना बिजनेस करना था कुछ, आई बाबा ने कभी सपोर्ट नहीं किया। क्यों? बस उन दिनों में लेडीज लोग को ऐसे इंडिपेंडेंट होना अलाउड ही नहीं था, और फिर तेरे पापा भी तो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ करूं। और फिर आपने ऐसे शॉमनिस्ट से शादी कर ली? हाँ, लव मैरिज। हाँ, उन दिनों में सारे जन जैसे ही थे, पर फिर मैंने भी जिद करके लड़के झगड़ के कुकिंग कोर्स कर ही लिया। थैंक गॉड फॉर दैट। आपने कुकिंग कोर्स किया तो हमारी जान बच गई, वरना पापा के बिजनेस बंद होने के बाद तो भीख मांगनी पड़ती हमें, एल लग जाते हमारे। सॉरी पंच, तू जा अमेरिका। हाँ प्लीज, मैं अमेरिका के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। नहीं पर मैं सोच रही हूँ ना, मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला तो मैं शेफ नहीं बन पाई, पर तुझे तेरी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। तू जा अमेरिका। मिशन अमेरिका इज ओवर, ओके? क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है बस, है ना? उन फरे हम कुछ करेंगे, हम लोन लेंगे। हायरार्की ऑफ नीड्स मदर, हायरार्की ऑफ नीड्स। काय बड़बड़ते हो? एक आदमी था इब्राहिम मास्लो, उसने कहा था कि इंसान की सबसे जरूरी नीड्स होती हैं उसकी बेसिक नीड्स, जैसे कि खाना, कपड़ा, घर और माँ। बाकी की नीड्स जैसे करियर, अमेरिका, क्लबिंग, शॉपिंग, डेटिंग, वो सब आता है लेकिन बाद में आता है। तो हम पहले मॉम को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद अमेरिका को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके? नॉट ओके। तू मेरे लिए अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस मत कर। आपके बगैर अपने फ्यूचर का अचार डालूंगा। क्राइसिस के टाइम पे सब कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो, पर कैसे रखें? भगवान डॉक्टर थोड़ी ना है, और डॉक्टर पे भी कैसे रखें? डॉक्टर भगवान थोड़ी ना है। दीवारों दरवाजों छत से बनता मकान, रिश्तों के तिनकों से बसता आशियां, सजावट सपनों की हो, खुशबुएं अपनों की हो, जो गूंजे किलकारी हो, दुख में हिस्सेदारी, थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ी तकरार हो, प्यार तकरार हो तब बनता है हो। आइए, आइए, बैठे।
सारे आ गए छुट्टी लेकर मम्मी के साथ और लगता है रात भर सोए नहीं। आपके बायोप्सी के रिपोर्ट्स आ चुके हैं। रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, आपको कैंसर नहीं। बस छोटा सा ट्यूमर है, मेडिकेशन से डिसॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, आई हैव अ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। थैंक यू सर। सिस्टर, थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। थैंक यू सर। बोलिए मैडम, क्या बनाना है? एफिडेविट? एक मिनट सर, आप आइए। आपको छुट्टी मेरे साथ आइए। कम बैठिए। कलाकृति सोसाइटी म्युनिसिपैलिटी वाला? हाँ जी, हो जाएगा। ऐसा स्टे ऑर्डर लाऊंगा कि डेमोलिशन होगा ही नहीं। थैंक गॉड। फिर चैन से रहिएगा आप लोग। थैंक यू। आपकी फीस? 30,000 रुपए पूरे केस के। पर हियरिंग 10-12 हियरिंग में हो जाएगा, कुछ 3.5-4 लाख अप्रोक्सीमेटली पूरे केस का। कैसी बातें कर रहे हैं पोपी साहब? सर थोड़ा रीजनेबल लगाइए, ताया जी बहुत मानते हैं सर आपको। तो ये आपके ताया जी का मन रखने के लिए ही 30 बोल रहा हूँ। चलिए बेस्ट टू बेस्ट 28 पर हियरिंग, ठीक है? सर इस पूरे केस के लिए हमारे पास बजट 1 लाख रुपया है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी सोसाइटी के पास इतने ही फंड्स हैं। ये चाय का बिल भरने के लिए फंड्स हैं आप लोगों के पास में? लेकिन मुझे भरना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है पोपी साहब, देखिए कैसा विचित्र आदमी, रूड आदमी है। ठीक भी ताया जी बहुत बदतमीज आदमी। हाय, आई एम रिजवान, आई एम अ लॉयर। था तुम नहीं? नमस्कार, क्या मैं बैठ सकता हूँ? प्लीज सर, बैठिए। थैंक यू। हम एक लॉयर ही ढूंढ रहे हैं। मुझे सब पता है, कलाकृति डेमोलिशन म्युनिसिपैलिटी सब पता है, मुझे सब पता है। मैं आप लोगों का केस लड़ूंगा। आपकी फीस? डोंट वरी, प्रो बोनो। ओनू? पोर्नो नहीं, प्रो बोनो, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप लोगों का केस लड़ूंगा और हम लोग जीतेंगे। वील विन, एंड आई प्रॉमिस। प्लीज राकेश, 3 कॉफी मेरी तरफ से। नाउ प्लीज कुड यू गिव मी द डिटेल ऑफ द एंटायर केस प्लीज? यस यस, हम लोग को ना 22 साल पहले हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी। इंडियंस का तो फेवरेट वर्ड ही फ्री है। मोबाइल डेटा हो, पायरेटेड फिल्म्स या फिर लॉयर, हमको सब फ्री ही चाहिए। रिजवान के आने से सारे सोसाइटी वालों में एक नई उम्मीद जाग गई। रिजवान सोसाइटी का लेटेस्ट सेलेब बन गया और सारे जुट गए हिज हाइनेस की चाटने में। अरे भाई मिठाई खिलाओ। पता नहीं रिजवान का मैजिक था या पवन गही का गुड लक, सालों वेट करने के बाद फाइनली भाई की एंगेजमेंट हो ही गई। अब क्योंकि मॉम की हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट थी तो अमेरिका जाने का सिग्नल रेड से ग्रीन हो गया। मॉम ने पापा को बैंक से लोन लेने के लिए भी कन्विंस कर लिया। हाय हाय माले, बैंक में डिपॉजिट करने तो नहीं लाऊंगा, घर पे ले लेना। सोसाइटी में इसके बारे में किसी को मेंशन मत करना, मेरी फिर से कंप्लेन आ जाएगी। कुछ हुआ क्या? कुछ करने देंगे तब कुछ होगा ना। मेरी लैंडलॉर्ड ना मेरे फ्रेंड्स को घर पे नहीं आने देती। शॉर्ट ड्रेसेस पहन के नीचे जाऊँ तो तुम्हारी बिल्डिंग की आंटी जैसे स्नीकी कमेंट्स मारती है। लेट हो तो तुम्हारा वॉचमैन भी जज कर लेता यार। एंड आई थॉट आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन। अब मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट तुम्हारी बिल्डिंग क्यों तोड़ना चाहती है, बिकॉज ऑल ऑफ यू सो बोरिंग एंड नैरो माइंडेड। सारे ऐसे नहीं है, मोस्टली तो ऐसे ही है। तुम्हें जॉब मिल गई? हाँ यार, फाइनली। स्थानीय टीवी नाम सुना है? बहुत लेम चैनल है, किसी ने नाम नहीं सुना, पर जॉब तो है। या, शॉप। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं जॉब ढूंढ रही थी? ऐसे ही नेबरहुड गॉसिप। तुम्हारा वो अमेरिका का वीजा आ गया? तुम्हें कैसे पता मैं अमेरिका जा रहा हूँ? नेबरहुड गॉसिप। मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो अमेरिका जाने से पहले नहीं हैंग आउट कर सकते? यस मैम।
डॉक्यूमेंट्स. विच यूनिवर्सिटी? आई एम वॉशिंगटन स्कूल ऑफ बिजनेस. आपको तो स्कॉलरशिप मिली है. यस मैम, फुल ट्यूशन वेवर है. वो बस लिविंग एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए. क्रेडिट स्कोर तो बहुत लो है मिस्टर सेठी का. क्रेडिट स्कोर मतलब? पिछली लोन पे 2 बार डिफॉल्ट किया था मिस्टर सेठी ने. नहीं मैम, वो एक्चुअली शायद उस टाइम पे पापा के बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे. अभी सब नॉर्मल है. अब नहीं होगा, डिफॉल्ट नहीं होगा. आपकी बिल्डिंग का ओसी भी नहीं है. जब तक घर की पेपर पूरी तरह से लीगल ना हो, घर की श्योरिटी पे लोन नहीं पास कर सकते हम. प्लीज आप देखिए ना, बाकी मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स सॉर्टेड हैं. व्हाट कैन आई डू? प्रॉपर्टी के पेपर क्लियर नहीं है, क्रेडिट स्कोर लो है. कोई तो रास्ता होगा मैम. वो क्योंकि बाकी बिना कोई सिक्योरिटी के कोई रास्ता नहीं है. आई एम सो सॉरी. टोकन नंबर 11 प्लीज. क्या हुआ? चूतियां हैं साले. ये जिनके पास करोड़ों हैं उनको लोन देंगे, हमें नहीं देंगे. टेंशन मत ले यार, कुछ और ट्राई करेंगे. ये ले. नहीं यार, ऐसे दिमाग की एमबीए हो गई है. हाय हाय डैड. बैठो. हाय चाचू. वंश बेटा तुम भी बैठ जाओ. आ जाओ. नहीं मैं रिक्शा ले लूंगा चाचू. अरे घर छोड़ने में थोड़ी तेरा बाप गुस्सा करेगा. आ जाओ बैठ जाओ. यू नेवर नो विद हिम. थैंक्स सर. बहुत ट्राई किया मैम, बट बैंक वाले नहीं माने. जब नसीब साला टट्टी तो क्या करेगा बट्टी. तू जा निकल अमेरिका. एयरपोर्ट आऊंगा तुझे बाय बोलने. चुप कर, पैसे मैं दे दूंगा. नहीं चाचू आप रहने दो. वैसे भी पापा को पता चला तो भगा भगा के मारेंगे. पता चलेगा तब तो भगा कर मारेंगे. कहते ना किसी दोस्त ने दिए, खत्म हो गई बात. अमेरिका जाना है कि नहीं जाना है? Come on, smile. Smile. के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकते हैं हम लोग. बोल कर वगैरह लोगों को बता के देखो. हेलो बेटा. मैं एक सेकंड प्राइवेट में बात कर लूं. हाँ. ओके. चल. बाय. क्या रे? चाचू ने लिए अमेरिका के लिए. पागल हो गया है. महाभारत करवाएगा घर में. मॉम अमेरिका भेजो मुझे, गिल्ट ट्रिप पे मत भेजो. हिमांश ने मांगे तो हृदय ने दिए नहीं थे. ठीक है अब दे दिए, बिग डील. अरे पापा बहुत अपसेट होंगे, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. अच्छा उनकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, मेरा फ्यूचर इम्पोर्टेंट नहीं है. क्या कहूंगी, किसने दिए? ज्योतिवासी ने. मेरी बहन के ताश की जोकर है, किसी भी सिचुएशन में फिट कर देते हो. और कौन देगा? अरे नहीं बाबा नहीं, चेक बैंक में डालेगा तो पता चल जाएगा हिमांश को. नहीं मॉम, मैं पहले अपने पर्सनल अकाउंट में डालूंगा, उसके बाद पापा कौन सा मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक करने वाले हैं. शाना ऐसा तू सब प्लान करके आया ना मेरे पास. तो अभी कॉल क्या कर रहे हो, पहले मैटर क्लोज तो करो. अरे ज्योति को फोन तो लगाओ, उसे बताना चाहिए ना कि वो पैसे दे रही है तुझे. कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए. बेस्ट बेस्ट नहीं, नरक जाना रे मिथु जम रे. अमेरिका जाओगे मजा हो रे. पहले फोन उठाने दो उसे. तेरी ज्योति मासी पैसे दे रही है. बड़ी स्वीट है तेरी बहन यार, हमेशा हेल्प करने को आगे बढ़ जाती है. कौन वाला फोन लाओ तो? ज्योति ला, थैंक यू देना रहे. अरे वो पिक्चर देखने गई है, बीच में ही फोन करोगे तो बैड मैनर्स लगेगा. बाद में कर लेना 2 घंटे बाद. चल ओके, लेकिन एक बात उससे साफ कर देना, उसका लोन हमें 1-2 साल मतलब 2-3 साल में वापस लौट. हाँ हाँ फिर क्या, लोन लिया है तो वापस तो करेंगे. हो, बोला था तुझे ज्योति से बात होने तो बाद में पापा को बताना. घाई 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 हर चीज की. ज्योति का फोन नहीं लग रहा था. हो गया सॉर्ट. क्या सॉर्ट हो गया? सॉर्टेड. मैं सॉर्ट हो गई. नहीं उठा रही है कब से. हो जाएगा यार, चलो खाना खाते हैं. ऐसे चले 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 प्रॉब्लम कर देगा. अरे बिरजू अब पेस्ट्री.
नहीं मैंने नहीं लिया था। अपना टीचर से तुझे पता है। ये देख, मैंने कहा था तुम लोगों से कि आप लोगों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। अरे ये अपोजिशन का आदमी है, प्रेस में फोटो छपवा रहा है, ये पॉलिटिक्स खेल रहा है। सर हमें बिल्कुल मालूम नहीं था सर। अरे तो फिर इंटरनेट सर्च करते, आपको पता चलता कि ये उनका शाखा प्रमुख है। हाँ तो कर लो इंटरनेट पे सर्च, जो करना वो कर लो। देखिए मेरी पार्टी सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती है। क्यों, क्या तुम उनके ससुराल वाले हो? पोजीशन वाले यूज कर रहे हैं तुम लोगों को। और ये गवर्नमेंट वाले ना तुम्हारी मदद करेंगे ना दूसरों को मदद करने देंगे। आपकी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ सरकार, सरकार हमारी है। देखिए इस एमएलए की बातों में मत आइए, मेरा काम है सोशल वर्क करना, मैं आप लोगों को बचाऊंगा। मैं देखिए साहब, हमें आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। अरे हम तो सीधे साधे लोग हैं, अरे हम क्या जाने आपकी पॉलिटिक्स को। सर जी आप ये केस छोड़ दीजिए ना प्लीज। क्या, हम दूसरा लॉयर हायर कर लेंगे। देखिए आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है। शेख साहब प्लीज। पापा जी पहले ही कहते थे बैकग्राउंड चेक करके लॉयर्स अपॉइंट करो, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं। मैं फिर ऑफिस के लिए लेट हो गया यार। चलो भाई मैं भागता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर सेठी। गुड मॉर्निंग। बॉस वाज आस्किंग फॉर यू। इट हैज टू बी मोर प्रेजेंटेबल। मिस्टर सेठी। ओह गुड मॉर्निंग करण। आप आज ऑफिस में? यू नो करण, हमारी बिल्डिंग के वो डिमोलिशन का चक्कर चल रहा है और माय वाइफ वो सिस्ट बायोप्सी। यू नो रोजी, वो मार्केटिंग नेम में, उसका डिवोर्स चल रहा है। सुनील फ्रंट डेस्क वाला, उसका भाई जेल में। इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझसे लास्ट वीक ब्रेकअप कर लिया। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में चलती रहती है, पर इम्पोर्टेंट है काम। देखिए सब कर रहे हैं, आप आज ऑफिस आए, गुड। आप ऐसे ही रेगुलर और टाइम पर आते रहें तो इट विल बी वेरी वेरी गुड। ओके फोन। अरे मैं नहा रही हूँ। हेलो ज्योति, मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? मैं तो तुझे थैंक यू के लिए फोन करने ही वाला था। देख ज्योति, तूने वंश की फीस के लिए जो लोन दिया ना, उसके लिए बहुत थैंक यू। अच्छा मैं वंदना को बोलता हूं तुझे फोन करे। हाँ बाय। वंश, वंश, वंश। ओ भाई, तूने हृदय से पैसे लिए? क्या हुआ, तूने हृदय से पैसे लिए कि नहीं लिए? लिए ना। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? Why? अरे तू क्यों चिल्ला क्यों रहा है? पापा इसने हृदय से पैसे लिए। तो क्या हुआ? मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो भी इसके साइड ले रही है। हिमाच। नहीं। चल, चल मेरे साथ। मेरे साथ चल। पापा बट अब। चल। ये तो गरम क्यों हो रहा है?
अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? ना हुआ क्या? बीपी बढ़ जाएगा पापा, प्लीज मजा आएगा। शक्ति रखो ना हिम्मत। मला त्रास दे उनको।